हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो इसलिए अपलोड किया हूँ क्योंकि रेलवे ALP के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में मैंने देखा कि ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो जब ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ रहा है, ALP में आया, तो इसलिए मैंने अपलोड किया क्योंकि ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आएंगे, रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आएंगे जो 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। तो उसमें एक क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ कई ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जैसे अतुल्य भारत अभियान। तो अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है, जो अभी हमारे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। तो अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है। अब स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी है। कौन है? शिल्पा शेट्टी है। स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वरी पाठक है। कौन है? बिंदेश्वरी पाठक। स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वरी पाठक है। अब जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर। अब जीएसटी के बारे में यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ आपको। पहला नंबर, तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है वह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? कौन से समिति ने दिया था? तो जीएसटी का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। और इसका एक स्लेब होता है, वो होता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसमें 5 स्लेब आते हैं। और जीएसटी जो है सबसे पहले विश्व में कहाँ पर लागू किया गया था? तो वो फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दरवाज़ा बंद अभियान। देखिए दोस्तों, दरवाज़ा बंद अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही है। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब आ जाते हैं स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अब यूनिसेफ का भी ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रियंका चोपड़ा है। कौन है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर? तो प्रियंका चोपड़ा। यानी कि स्किल इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है और यूनिसेफ का भी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। अब आते हैं हम लोग सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान है। कौन है? AR रहमान। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। अमेरिकन टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमेरिकन टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। इसका भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ही है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है और अमेरिकन टूरिस्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। अब आ जाते हैं हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित है। अब आ जाते हैं हम लोग माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी माधुरी दीक्षित है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है और माँ अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। अब आ जाते हैं हम लोग भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। तो भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, वह है दिया मिर्जा। कौन है? दिया मिर्जा। अब आ जाते हैं स्वच्छ सारथी कार्यक्रम। स्वच्छ सारथी कार्यक्रम का भी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा है। दिया मिर्जा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करके फिर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन आएंगे तो इसी से ही एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा दिया हूँ।
अब देखते हैं पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पेप्सिको का भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है और यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और अभी हाल ही में एशियन गेम 2018 में सिल्वर मेडल जीती है और यह रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल जीती है। अब आ जाते हैं निर्मल भारत। निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो निर्मल भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वह है विद्या बालन। कौन है? विद्या बालन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम। जो एक क्या है, मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम एक मुक्केबाज है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम है। फीफा का ब्रांड एम्बेसडर, फीफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना जो है फीफा का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। और पहले भी मैंने दो का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बता दिया था, एक था दरवाज़ा बंद का ब्रांड एम्बेसडर और एक जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, दोनों का था अमिताभ बच्चन। और यहाँ पर एक हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। तो दोस्तों मैं आज ब्रांड एम्बेसडर के बारे में क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हमारे क्वेश्चन तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह से और भी कई वीडियो करंट अफेयर से, साइंस से अपलोड कर सकूँ और आप लोगों को जानकारी दे सकूँ ताकि ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन आप लोग आसानी से टिक लगा सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।